अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सीओपी एंड डिफिशियंसी। ठीक है, तो जो हमारा इंजन होता है हीट इंजन, उसकी हम कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस की जगह पे हम उसका इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इफिशियंसी का फार्मूला हमारा क्या होता है, हम बता दें। इफिशियंसी का फार्मूला जो होता है वो होता है हमारा किया गया कार्य, इंजन के द्वारा किया गया कार्य और उसको दी गई ऊष्मा। जैसे जो हमारा इंजन होता है वो किसी न किसी चीज से चलेगा ही, जैसे डीजल पेट्रोल किसी भी चीज से, तो उसको कितनी ऊष्मा दी जा रही है, फिर उसके द्वारा काम कितना किया जा रहा है, तो उससे हम इसकी इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो ये वाला जो डायग्राम है, ये हीट इंजन का डायग्राम है, इसमें हम इसको हम Q2 हीट दे रहे हैं और ये WE काम कर रहा है। ठीक, जिसमें से बची हुई ऊर्जा जो Q1 है वो बाहर की तरफ निकल जा रही है, तो इसकी जो इफिशियंसी होगी वो हमारी हो जाएगी Q2 माइनस Q1 बटे Q2। ठीक है, मतलब कि वर्क डन हमारा कितना हुआ, ये Q2 माइनस Q1, कि Q2 में से हमारा इतना काम हुआ। ठीक, इतनी ऊर्जा हमारी निकल गई, तो जिस इसने जितना काम किया, जैसे मान लो इसको Q2 एनर्जी दी गई, तो Q2 एनर्जी दी गई उसमें से हमारी Q1 निकल गई, तो इसने जो काम किया वो Q2 से Q1 के बीच का काम किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क डन। तो वर्क डन हो गया Q2 माइनस Q1 बटे Q2, मतलब प्रदत्त ऊष्मा, कितनी ऊष्मा इसको दी गई। तो ये तो हो गई हमारी निकाय की इफिशियंसी। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर का। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो हमारा हीट इंजन के एकदम विपरीत काम करता है। जैसे इसमें क्या करते हैं, ये हमारा इसमें ऊष्मा दी जा रही है और इसके द्वारा काम करवाया जा रहा है इंजन से। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें इंजन को, इंजन मतलब कि काम करेगा वो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करेगा। जैसे मान लो ये हमारा सिंक है, सिंक में से निकालेगा ऊष्मा को और सोर्स हीट सोर्स की तरफ भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा इसको, इस चीज को ये ठंडा कर रहा है। ठीक है, इसको जब ये ठंडा कर रहा है, तो यहाँ से जितनी ऊष्मा ये ऊपर की तरफ भेज रहा है Q1, यहाँ से जितनी भी ऊष्मा इधर की तरफ भेज रहा है काम करने के बाद, ये Q2 हो गई, यहाँ से इसने Q1 कलेक्ट की और यहाँ पे मतलब कि Q2 भेज रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कितनी ऊष्मा उसने इस रूम से बाहर निकाल दी, तो उस ऊष्मा को ही हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, और वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हो गया हमारा Q2 माइनस Q1, क्योंकि ये जो हमारी Q2 है इसमें से कुछ ऊष्मा जनरेट होगी, उसमें जाकर के जुड़ जाएगी, और ये हमारा जो Q1 है, Q1 जब हमारा इसमें जा रहा है तो इसमें कुछ ऊष्मा होगी, तो वो Q2 में से अगर हम Q1 घटा देंगे, इन दोनों के बीच में जो कार्य हमारा यहाँ पे करेगा, जितनी ऊर्जा ये खाएगा वो यहाँ पे हमारी निकल आएगी। तो ये हमारा हो गया सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन बराबर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटे रेफ्रिजरेशन वर्क। तो इफेक्ट हमारा Q1 हुआ और काम हमने Q2 माइनस Q1 किया। तो ये हमारी हो गई सीओपी, जो कि हमारी जो अभी हमने ये निकाली थी इफिशियंसी, तो इफिशियंसी के ठीक अपोजिट होती है। ये अपोजिट क्यों होती है, क्योंकि ये रिवर्स हीट इंजन का काम करता है। जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, ऐसे मान लो रिवर्स हीट इंजन हो। फिर उसके बाद हम हीट पंप की बात करते हैं, तो हीट पंप जो होती है वो हमारी रेफ्रिजरेटर के विपरीत काम करती है। ठीक है, इसके विपरीत काम करती है। ये क्या करती है, ये निकाय को गर्म करती है। जैसे मान लीजिए हमारा ये सिंक है, ठीक है, और ये हमारा सोर्स है। ठीक, तो ये क्या करेगी, इस सोर्स में जितनी भी ऊष्मा ये भेजेगी, जो Q2 इसमें ये जो भेज रही है, ठीक है, ये Q2 हमारा इसका होगा इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम जो इसका प्रभाव है, वांछित प्रभाव जो इसमें उत्पन्न होगा, ठीक, उसके बटे वर्क डन। अब देखो, प्रोड्यूस्ड इफेक्ट बटे वर्क डन, प्रोड्यूस्ड इफेक्ट हमारा Q2 हो रहा है, अब कार्य हमारा कितना किया जा रहा है, Q2 माइनस Q1, तो ये ठीक इसके अपोजिट हो गया। ठीक है, ये ठीक इसके अपोजिट हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी रेफ्रिजरेशन की जो सीओपी है, रेफ्रिजरेटर की जो सीओपी है और वो हीट पंप की जो सीओपी है, तो वो हमारी +1 क्यों होती है, एक्स्ट्रा क्यों होती है। मान लो हमारा सीओपी ऑफ, यहाँ पे मान लो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हम यहीं से कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर ये है हमारी Q1 बटे Q2 माइनस के Q1।
अगर हम इसमें एक जोड़ दें, ठीक है, एक हम इसमें जोड़ दें तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q1 प्लस के Q2 माइनस के Q1, ठीक है, और बटे में हमारा हो जाएगा Q2 माइनस के Q1 माइनस के Q1। ये Q1 से Q1 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या, Q2 बटे Q2 माइनस के Q1। तो Q2 बटे Q2 माइनस के Q1 ये चीज है COP, ठीक। तो ये हो गया ना हमारा COP ऑफ हीट हीट पंप इजिकल टू 1 प्लस के COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, यही यहाँ पे इसने बताया है, ठीक है। अब उसके बाद रेफ्रिजरेशन की विधियां, बर्फ आइस रेफ्रिजरेशन, एयर रेफ्रिजरेशन, ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, ये हम नेक्स्ट के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, जैसे मान लो हम एक न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल ये ले ले रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल हम ले ले रहे हैं, इसे बताते हैं। जैसे किसी रेफ्रिजरेशन निकाय की COP ज्ञात कीजिए यदि कार्य इनपुट 80, मतलब कि यहाँ पे हमें कार्य इनपुट W दे दिया है, क्लोज जूल प्रति केजी, और रेफ्रिजरेंट द्वारा इतना रेफ्रिजरेंट प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो हमें W दिया है, Q दिया है, हम जानते हैं कि COP वो बराबर होता है उत्पन्न वांछित प्रभाव बटे किया गया कार्य, ठीक। तो ये हमने COP हमारी 2 आ गई। हमेशा याद रखना है कि COP जो भी होगी वो हमारी 1 से अधिक आएगी, ठीक है, 1 या 1 से अधिक आएगी COP ऑफ एनी सिस्टम।